हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए राजेंद्र अरोड़ा। और दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग लेटेस्ट इशू की बात करेंगे। 23 अप्रैल 2019 को एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 सेंट्रल टैक्स। इस नोटिफिकेशन ने एक डेट डिसाइड की, वो डेट है 21 जून 2019। अब ये किस प्रोविजन के लिए डेट डिसाइड की, किस इशू के लिए डेट डिसाइड की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। 31 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन 74/2018। उसमें रूल्स कुछ नोटिफाई किए गए, उसमें से एक रूल जो डाला गया, रूल 138 कैपिटल ई, आपको याद है रूल 138 ईवे बिल्स का रूल होता है, उसी के सब्सिक्यूशन में सक्सेशन में रूल 138 ई डाला गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप अपने रिटर्न्स को, जो रूटीन की रिटर्न्स हैं, मंथली रिटर्न्स हैं, जो भी आपकी टैक्स पीरियड के हिसाब से रिटर्न्स हैं, अगर आप फाइल नहीं करते कॉन्सिक्यूटिवली 2 महीने, 2 टैक्स पीरियड, तो आपको ईवे बिल पार्ट ए जनरेट करने की फैसिलिटी पोर्टल पर बंद हो जाएगी। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की हैं, आप अदर देन कंपोजिशन डीलर हैं, आपने 2 महीने की रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं, आपका ईवे बिल का पोर्टल डीफंक्शन कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और आप अपने ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है 2 महीने से ज्यादा की, तो आप अपनी रिटर्नों के कंप्लायंसेस को पूरा कीजिए, और नहीं तो आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। सामने वाला भी, अभी यहां ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सप्लायर है और रेसिपिएंट ने भी ईवे बिल बना दिया, तो आपका जीएसटी आईएन जो है वो इनएक्टिव नजर आना शुरू हो जाएगा, आपके जीएसटी आईएन पर ईवे बिल बन ही नहीं सकेगा। चाहे आप ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे आप सप्लायर हैं, रेसिपिएंट हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या कूरियर एजेंसी है, कोई भी आप हैं, आपका ईवे बिल नहीं बन सकता। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सफिशिएंट कॉज दिखाकर, रीजंस रिकॉर्ड करके कमिश्नर, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर आपका पोर्टल पे ईवे बिल ओपन कर सकता है, लेकिन सफिशिएंट कॉज दिखाकर। तो दोस्तों, आप अपने रिटर्न्स को टाइमली, 21 जून डेट डिसाइड हुई है, 21 जून के बाद वो 21 जून से इनफैक्ट आपका पोर्टल बंद हो जाएगा, अगर आपने प्रॉपर टाइमली रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।